नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रुद्रपुर में 14 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। प्रशासन के जरिए कार्यक्रम स्थल के पास अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें लगभग 2 दर्जन झोंपड़ियों को तोड़ा गया है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना था कि वह काफी समय से यहां रह रहे हैं और आज उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन का कहना था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते FCI गोदाम के सामने ग्राउंड में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था उनको हटाया गया है और आगे भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रामनगर में 27वें वसंत महोत्सव का आगाज हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की धूम नगर में बनी रहेगी। कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय सभा में दीप प्रज्वलित कर वसंत उत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोक कलाकारों ने जुलूस के माध्यम से नगर में रंगारंग झांकियां निकालकर अपनी प्रस्तुति दी। पर्वतीय सभा पड़ाव में 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सब कार्यक्रम उत्तराखंडी संस्कृति पर आधारित होंगे। कुमाऊं गढ़वाल के अलग अलग जनपदों से आए लोक कलाकार अपनी कला का जौहर दिखाएंगे। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को नाटक और लोकगीतों और कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। रामनगर की जनता 4 दिनों तक इस सब कार्यक्रमों का बहुत लुत्फ उठाने वाली है। आपको बता दें कि वसंत उत्सव के नाम से मनाए जाने वाला यह उत्सव पिछले 27 सालों से चला आ रहा है। पूरे प्रदेश में रामनगर के अलावा वसंत उत्सव कहीं ना कहीं मनाया जाता है। विजयनगर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के साथ बैंक प्रबंधक के जरिए बदसलूकी और बदतमीजी से बात करने पर ग्रामीणों ने बैंक परिसर में हंगामा किया। इस दौरान उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक ध्यान सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान विनय सरकार ने कहा है कि विजयनगर ग्राम सभा के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक प्रबंधक के जरिए उनसे बदतमीजी से बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला बैंक में किसी के कार्य हेतु जाती है तो बैंक प्रबंधक के जरिए घंटों बैठाकर उस महिला का कार्य करते हैं। इस बात पर बैंक प्रबंधक ध्यान सिंह ने कहा है कि पूरी बातें निराधार हैं, बैंक में आए किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। तुरंत ये पूछा कि भाई साहब इनके चेक क्यों नहीं आ रहे, तो पूछने लगे जहाँ जल्दी मिलता है वहाँ जाके लेके आओ। मैंने कहा कारण क्या है, कारण हम नहीं बताते। मैंने कारण क्यों नहीं बताओ, जब इनको समझ में नहीं है मुझे लेके आए इनको समझने के लिए कि दीदी आप मेरे साथ चलो तो मैं आई, तो आप बता दो आपके कारण क्या है। हम कारण ऐसे किसी को नहीं बताया कि खाते के लिए 3-4 जने आते हो आप लोग, निकलो यहाँ से, हम नहीं बताते। जो मर्जी जो करना है वो कर लेना। तो फिर मैंने कहा उनसे कि भाई आप कुर्सी पे किस लिए बैठे हो, लोगों को समझाने के लिए तो बैठे हो। मगर हम लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं मगर ये सब नहीं बता सकते, आप यहाँ से निकलो। अब ये चेक तो कब मिले, फिर जिनका खाता उन्होंने कहा हम खाता बंद करना है, तो फिर उस मैंने कहा फिर इनका खाता बंद कर दो। हाँ बंद करो खाता, क्या होगा हमारा, क्या कर लो, खाता बंद करने से हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारा, जो मर्जी आए वो कर लो। हर बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध है, हमारी शाखा में भी उपलब्ध है, हमारे बैंक में उपलब्ध है, आप उसका लें और हम आपको दे भी रहे हैं और मैंने जो भी आता है उसको हम देते भी हैं। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं, डिजिटल बैंकिंग के लिए हमारे यहाँ फुल चल रही है। लेकिन जो है यहाँ पे चेक लेने आया है, एक हफ्ते से दौड़ रहा है लेकिन जो है आप दे नहीं रहे हो। बता रहा हूँ आपको, चेक का ऐसा होता है, चेक का स्टॉक कंप्यूटर में क्रिएट होता है, क्रिएट होने में उसमें टाइम लगता है, तब उसके बाद टेलर को चेक भेजते हैं, उसके बाद इशू होता है उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने इनको अगले दिन आने के लिए कहा। मैं चेक लेने के लिए आ रहा था, 4 दिन से आ रहा हूँ, रोज बोलता है अभी नहीं है, मैनेजर नहीं है, छुट्टी में। तो मैंने वो स्टाफ वाले बैठ रहे थे उससे बोला जे अगर मैनेजर साहब आ गया तो हाथ मिल जाएगा, तो बोला हाँ मिल तो जाएगा, हमारे पास चेक है लेकिन बिना मैनेजर का हम दे नहीं सकते। तो मैंने बोला ठीक है कब तक आएगा, बोला 2 दिन बाद आएगा। बढ़ते आगे, रुड़की में चाव मंडी स्थित गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए इसमें पंचगव्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर विजय आर्य और हरियाणा के प्रांत गौसेवा प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र सिंगल ने गौशाला में गौ उत्पाद केंद्र का शिलान्यास किया। गौ उत्पाद केंद्र का निर्माण लाला कुंदन लाल सिंगल मंगलौर वालों की स्मृति में उनके परिवार की पहल पर किया जा रहा है। इस मौके पर गौभक्त प्रोफेसर सिंगल ने भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि गौ माता सनातन संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन पिछले 70 साल में गौवंश और इसकी नस्ल को गहरा नुकसान पहुंचा है। जबकि डॉक्टर विजय आर्य ने इस बात पर खुशी जताई है कि एक प्रवासी परिवार ने रुड़की गौशाला में पंचगव्य उत्पाद का कार्य शुरू करवाने का बीड़ा उठाया है, जो समाज के लिए एक उदाहरण है। समारोह में विभाग संघ चालक माननीय रामेश्वर, दिल्ली के समाज सेवी उद्योगपति जगदीश राय गोयल और राम कुमार सिंगल के अलावा बड़ी संख्या में स्वर्गीय लाला कुंदन लाल सिंगल के परिवार वाले मौजूद थे।
में मौजूद हैं सुदेश चंद सिंगल जी, जो गौ प्रमुख हरियाणा से हैं और आज रुड़की में उपस्थित हैं, गौ कार्यक्रम में आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि गाय को लेके किस तरह की समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं और कैसे रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका। आज यहाँ ये जो कार्यक्रम रुड़की में हुआ है, ये किस तरह का कार्यक्रम है? वास्तव में ये कार्यक्रम जो है वो गाय को बचाने के लिए है, और गाय तभी बचेगी जब दूध के साथ उसके गोबर और गौमूत्र का महत्व समझेंगे, और यही इस कार्यक्रम की का आधार है कि गोबर से और गौमूत्र से अनेक वस्तुएं बनाए जाएं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है लाला कुंदन लाल सेवा न्यास गौ उत्पाद एवं अनुसंधान केंद्र। सुरेश जी, गाय की जब बात आती है तो एक जर्सी गाय है, एक गीर गाय है, और गाय को लेके लगातार देश में जो है कई प्रकार के उग्र काम भी होते हैं, कई लोग सेवाएं करते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या फ़र्क है इन दोनों गाय? वास्तव में जर्सी गाय को तो हम गाय मानते ही नहीं, और ये साइंटिफिक विवेचना से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि जितनी भी जर्सी गाय हैं या अमेरिकन नस्ल की गाय हैं, उनका दूध जो है विभिन्न प्रकार की विकृतियां और बीमारियां देने वाला है, इसलिए उस दूध से तो बचा जाए उतना ही अच्छा है। और अपनी जितनी भी नस्ल हैं हिंदुस्तान की, चाहे वो गिर नस्ल है गुजरात की, चाहे साहिवाल पंजाब वाली नस्ल है, और चाहे हरियाणा की हरियाणवी नस्ल है, चाहे पहाड़ी गाय छोटी सी गाय, वो बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। आप तो गौ सेवा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, हरियाणा से हैं। आज की समय में जो युवा लगातार गौ रक्षा के नाम पे कई प्रकार से काम कर रहे हैं, आपकी नज़र में वो कितना सही मार्ग पे हैं या कितना मार्ग से भटके हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, गौ रक्षा के नाम के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो गांव माता, जिसको हम गौ माता की श्रेणी में देते हैं, वो नियमानुसार वो गाय हैं जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो चुकी हैं। तो इस तरह की जो हमारे पास जर्सी गाय भी हमारे देश में है, इनका क्या रोल है हमारे देश में रहने का, ये किस तरीके से आई? ये तो वास्तव में जो अपनी श्वेत क्रांति हुई थी उस समय अधिक दूध के लालच में इनको लाया गया था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला कि भई ये हानिकारक है, इसलिए अब इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इनको कत्ल खाने में भी भेज सकते, क्योंकि पशु तो है, तो इसलिए जब तक ये हैं तब तक इनका पालन पोषण किया जाएगा, और जब ये नहीं होंगे अथवा इनका कोई विस्तार नहीं होगा। सुरेश जी से हमने जाना कि क्या फ़र्क है गायों का, और कौन सी गाय हैं जिनका हमें दूध पीना चाहिए, जिनके मूत्र में जिनके मल में हर प्रकार के औषधीय गुण हैं, और साइंटिफिक तौर पे ये साबित भी हो चुका है। मैं राष्ट्र खबर से अनुपम खत्री, अपने सहयोगी राजकुमार। बढ़ते हैं आगे। कच्ची शराब से मरने वालों के हादसे के बाद पुलिस लगातार कच्ची शराब को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है। अक्सर पुलिस ने भी कच्ची शराब को लेकर मुखबिर की सूचना मिलते ही कई जगह छापेमारी। छापों के दौरान 5 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कोतवाल अक्सर वीरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि किसी भी हालत में शराब का अवैध कारोबार करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। कच्ची शराब का अवैध कारोबार करने वालों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। हर संभव कोशिश की जाएगी कि कोई भी इस अवैध कारोबार को ना कर सके और आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। काफी दिनों से तो हमने मूवी लगाए थे, कल ये पकड़े गए, 3 लोग हैं, अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। ये पाला तो है सुल्तानपुर का, मिंटू और एक धर्म सिंह है, ये पहले जेल जा चुके हैं शराब बेचने में। आज इन्हें शराब का मुकदमा पंजीकृत करके न्यायालय भेजा जाएगा। बढ़ते आगे। खबर किच्छा से है। किच्छा उधम सिंह नगर में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया। साथ ही चेकिंग के दौरान करीब 4 दर्जन से ज्यादा दुपहिया वाहनों के चालान कट गए, जिसमें कई बिना हेलमेट के और कई चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते पकड़े गए। चेकिंग के समय कई हजार रुपए की राजस्व की वसूली हुई।
बढ़ते आगे। हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ लगन अनुसार विद्या की देवी सरस्वती का पूजा क्षेत्र के तमाम स्कूल कॉलेजों और युवा ग्रुप के जरिए किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र दिनेशपुर में बंगाली समुदाय की अधिकांश आबादी होने के कारण क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों के अलावा आम लोगों के घरों में भी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही बंगाली समाज के लोग पूरे साल भर बेर तब तक खाते हैं जब तक कि देवी सरस्वती पूजा के दौरान अंजलि नहीं दे देते। विद्या पाने के लिए जो भी ज्ञान है, आध्यात्मिक भौतिक जो भी जितनी भी ज्ञान है, सारी सरस्वती माता की देन है। सिर्फ इसलिए ही उनकी पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना किया जाता है कि हे माता रानी, हमें सद्बुद्धि दे और आध्यात्मिक भौतिक इतनी शक्ति दे कि हम इस धरती को क्या जितने भी हमारे ब्रह्मांड में चीज है सबकी जानकारी हमें मिले, हमें ज्ञान मिले। नहीं, ऐसा है कि खाली भारत में ही सरस्वती पूजा मनाया जाता है, लेकिन जो विदेशों में नहीं मनाया जाता, विदेशों के लोगों में ज़्यादा ज्ञान है, इसका क्या कारण है? उनकी ज्ञान जो है वो भौतिक में ज़्यादा है, आध्यात्मिक में है ही नहीं। आध्यात्मिक में ज्ञान है तो सरस्वती जी की पूजा करनी है, इसलिए विदेश के जितने भी लोग हैं यहाँ आके पागलों की तरह हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।